तो फ्रेंड अगर आप अपने फेसबुक पेज पर कवर फोटो को ऐड करना चाहते हो तो आप कौन सी कवर फोटो को ऐड करोगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक क्रिएटर के लिए, लेकिन क्रिएटर इसको बहुत हल्के में लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार आप हल्के में लेते हो फिर आगे चल के आपको लंबे में नपना भी पड़ता है। तो आखिरकार क्या रीज़न है, क्या कारण है कि अगर आप अपनी कवर फोटो को ऐड कर रहे हो तो कैसी कवर फोटो को ऐड करना चाहिए जिससे कि आपके मोनेटाइजेशन पर कोई भी इशू ना आए। तो फ्रेंड आज की वीडियो में आपको बताऊंगा प्रॉपर समझाऊंगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्रिएटर के लिए जो अपने फेसबुक पेज से सोच रहे हो कि आगे चल के भाई मैं कुछ कमा पाऊँ, कुछ अर्निंग कर पाऊँ, तो आज की वीडियो उनके लिए है। फ्रेंड वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरे आपसे छोटी सी गुजारिश है आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि भाई आपको आपके फेसबुक पेज पर कौन सी कवर फोटो को ऐड करना चाहिए। फ्रेंड एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको छोटा सा। जैसे मान लीजिए कि आपने पहले कभी अपना फेसबुक पेज बनाया हुआ था और गलती से वो फेसबुक ने हटा दिया, डिलीट कर दिया, या फिर आपने खुद ही डिलीट कर दिया, उसका जितना सारा कंटेंट था आपने डाउनलोड कर लिया पूरा का पूरा, आप रखे हो आप, और उसी के जैसा आपने दोबारा से एक दूसरा पेज भी बना लिया। तो फ्रेंड अगर आपने सेम कैटेगरी का दोबारा से पेज बना लिया है तो आपके पास जो फोटोज़ या वीडियोज़ आप उस पर्टिकुलर पेज पर अपलोड किए हुए थे, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं इस पर भी अपलोड कर दूं, यानी कवर फोटो हो या फिर कंटेंट हो या वीडियो हो, तो आप लोग सोचते हो भाई, हर कोई सोचेगा, सीधी सी बात है क्योंकि उसने उसमें मेहनत की है, तो आप अपलोड करने की सोचते हो। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि आप ये गलती बिल्कुल मत करिए। अगर आप ये गलती करोगे तो भाई आपका जो जब आप अप्लाई करोगे मोनेटाइजेशन के लिए तो आपका जो फेसबुक पेज है वो रीयूज कंटेंट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई आप ऑलरेडी उस कंटेंट का इस्तेमाल कर चुके हो फेसबुक प्लेटफॉर्म पर। भाई आप अगर उस प्लेटफॉर्म पर उस कंटेंट का इस्तेमाल ना किए होते, फेसबुक प्लेटफॉर्म पर अगर आप ऑलरेडी उस कंटेंट का इस्तेमाल ना किए होते तो आप उसको अपलोड कर सकते थे अपने न्यू पेज के साथ, लेकिन आप ऑलरेडी उसको इस्तेमाल कर चुके हो, अब आप दोबारा से इस्तेमाल कर रहे हो फेसबुक प्लेटफॉर्म पर। भाई डजंट मैटर आपका पेज कौन सा है, प्लेटफॉर्म तो एक ही है, एक ही प्लेटफॉर्म है, और उसका जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करते हो फ्रेंड तो उसका एक HTML तैयार कर देता है फेसबुक की भाई इसकी पहचान ये हो गई है। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब का URL होता है, यूट्यूब वीडियो जब भी आप शेयर करते हो तो उसका एक URL के साथ ही क्या होता है, शेयरेबल कॉन्टेंट होता है, और अगर आप उसको डिलीट कर भी दोगे फ्रेंड तो भी आपका वहां पर एक कैच मेमोरी बन जाती है फेसबुक के पास कि भाई इस कंटेंट को आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके हो। तो फ्रेंड अगर आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके हो, द्वारा से अपलोड करोगे तो वो आपका हमेशा रीयूज कंटेंट में आएगा, यानी कि आप द्वारा से उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो। तो फ्रेंड आप ऐसी गलती मत करिए, चाहे वीडियो हो, चाहे कवर फोटो हो, चाहे प्रोफाइल फोटो हो, कुछ भी हो फ्रेंड आपको अपलोड नहीं करना है जो आप ऑलरेडी कहीं पे किसी जगह अपलोड कर चुके थे। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू सो मच।